आपने तरह तरह के घोटाले सुने होंगे, लेकिन मनुष्य जीवन समाप्त होने के बाद अंतिम जगह कहे जाने वाले शमशान घाट को भी घोटालेबाजों ने नहीं बख्शा। ये आरोप लगाए हैं एनआईटी फरीदाबाद के कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने। विधायक नीरज शर्मा का आरोप है कि घोटालेबाजों ने शमशान घाट को भी नहीं बख्शा, जिन्होंने फरीदाबाद के सेक्टर 56 में स्थित शमशान घाट में समाज सेवी द्वारा कराए गए काम का भी वर्क ऑर्डर पास करा लिया, जिसका उन्होंने खुलासा किया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह वही सेक्टर 56 है जहां शमशान घाट है, जिसमें घोटाले के आरोप लगे हैं। यह आरोप किसी और ने नहीं एनआईटी से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने लगाए हैं। विधायक नीरज शर्मा का आरोप है कि पूर्व की हुड्डा सरकार में इस शमशान घाट की जगह को अलॉट किया गया था, जिसके बाद नगर निगम ने लगभग 40 लाख के काम भी इस शमशान घाट में कराए थे, तो वहीं कुछ समाज सेवियों ने भी शमशान घाट में अपने दान दिए हुए पैसों से काम कराए। लेकिन उन्हीं समाज सेवियों के दान के दिए पैसों से कराए गए काम का कुछ घोटालेबाजों ने नगर निगम से दोबारा वर्क ऑर्डर पास करा लिया और लगभग 25 लाख के घोटाले की तैयारी में लग गए, जिसका उन्होंने खुलासा किया है। वहीं विधायक ने बताया कि कुछ अधिकारी और ठेकेदार मिलकर सरकारी रुपया हड़पना चाहते थे, इसलिए वे चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो। देखिए, जब से मैंने नगर निगम के घोटाले पकड़ने चालू करे तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि सरकार पहले तो मेरे पास वर्क ऑर्डर की कापी नहीं भेजती थी कि विधायक को पता ना लगे और हम अपनी खुली लूट कर सकें। तो विधायक बनने के बाद मैंने सबसे पहला जो काम कराया, हालांकि पूरे हरियाणा लेवल पे एप्लीकेबल है वो, नहीं करते हैं, पर मैं मेरी NIT 86 में कोशिश करता हूँ, हो चाहे कोई भी महकमा हो, कि आप जो भी विकास करेंगे उसके अंदर पारदर्शिता रखेंगे, एक बोर्ड बनाएंगे जिस पे लिखा रहेगा कि ये कार्य इतने अमाउंट का है, फलानी तारीख को शुरू होगा, फलानी को ख़त्म होगा, और ये इसका डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है, उस काम की गुणवत्ता में कोई तकलीफ शिकायत है तो आप इस नंबर पे संबंधित अधिकारी से शिकायत करें। तो पीछे हमारे पास वर्क ऑर्डर आया वार्ड नंबर 1 शमशान घाट का, 25,40,000 का एक था और एक रास्ते का था 20-22 लाख का, और उसके अंदर जो लिखा हुआ था बाउंड्री वाल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वाल, और 3-4 आइटम थे, जबकि हम जाते हैं वहाँ शमशान में तो बाउंड्री तो बनी पड़ी है, तो मुझे लगा कि शायद ये काम मेरे को बनाए बताए बगैर शुरू हो गया होगा, तो मैंने कल वैसी रिव्यू मीटिंग बुला रखी थी, तो वार्ड 1 के जई भी आए थे, तो मैंने उनको वर्क ऑर्डर दिखाया, मैंने कहा जी ये काम कब चालू करेंगे, और आपने डेवलपमेंट का बोर्ड बना लिया कि नहीं बनाया, कि जिस पे लिखा जाए कि ये पैसे का इतने का काम है, ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये काम अभी शुरू नहीं हुआ। मैंने कहा मौके पे तो मुझे लगता है वहाँ काम हुआ पड़ा है जी। तो उन्होंने लिख के दे दिया कि ये काम शुरू नहीं हुआ। तत्पश्चात मैं नगर निगम गया, मैंने ओरिजिनल फाइल निकलवाई, ओरिजिनल फाइल निकलवा के मैं उच्च अधिकारियों को लेके वहाँ मौके पे शमशान घाट पे गया। वहाँ जाके मैंने देखा कि सबसे पहले एक कोई भी कार्य होता है नगर निगम का, उसकी एक रिकमेंडेशन जाती है, रिकमेंडेशन जाने के बाद उसका एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट के बाद टेंडर होता है, टेंडर में रेट अप्रूव होते हैं तो वर्क ऑर्डर हो जाता है, वर्क ऑर्डर के बाद ठेकेदार को काम करना पड़ता है। तो जो एस्टीमेट मैं देखा तो बड़ा हैरान रहा, एस्टीमेट के अंदर एक गेट था 300 किलो का, पंखे थे, एग्जॉस्ट फैन थी, LED लाइटें थी, और सरकार जो भी काम करती है वो ये नहीं है कि साहब खाली पंखे टांग दिए, उसके साथ उसकी वायरिंग का अलग पैसा था, कॉपर का अलग पैसा था, अर्थिंग का पैसा अलग था, हर चीज़ के अलग अलग उन्होंने एस्टीमेट बना रखे थे जी। तो मैंने नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि भाई आप मुझे ये बताइए कि ये पंखे कहाँ लगने, पंखे तो ऑलरेडी लगे पड़े, अब जहाँ जितना हम जलाते हैं उसके नीचे लगाने हो पंखे तो एक अलग विषय है, एग्जॉस्ट फैन की भी कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी, आप वायरिंग कहाँ करेंगे, सारे में वायरिंग हुई पड़ी है, LED लाइटें सारी लगी पड़ी हैं। तो एक आदमी था को मुझे नाम नहीं पता, कहने लगा जी ये साथ में एक बच्चों का दबाने का शमशान घाट है, हमें बाउंड्री वाल इसकी करनी थी। तो फाइल पे ना नक्शा रहता है जी, और आजकल तो जब से नगर निगम में घपले घोटाले हुए हैं तो नगर निगम के अधिकारी कोई भी कार्य करना होता है उसकी लोकेशन लेटीट्यूड और लैंगिट्यूड पे देने लगे हैं। तो मैंने कहा भाई वो मुझे नक्शा दिखाइए, बाउंड्री वाल कौन सी बननी है 65 मीटर की।
तो जब उन्होंने नक्शा दिखाया तो उसमें सिर्फ एक लाइन को हाईलाइट कर रखा था कि सिर्फ एक तरफ की दीवार बननी है बाउंड्री वाल की। तो मैं ये भी बड़ा हैरान हुआ देख के कि मैंने कहा भाई अगर जो ये साथ वाले की बननी थी तो आपको चारों भुजाएं बनानी थी, या इस शमशान घाट की कॉमन करोगे तो तीन भुजा तो फिर भी बनानी है। तो मैंने कहा अधिकारियों ने भी माना कि नीरज जी इसके अंदर हमें प्रथम दृष्टि गड़बड़ लग रही है, और बाद में पता लगा कि शमशान घाट के अंदर नॉर्मल होता ही है कि पंखे, एग्जॉस्ट फैन, एलईडी लाइटी लाइट और काफ़ी चीज़ें समाज के विभिन्न लोगों द्वारा दी गई। और आज सुबह मेरी बात भी हो रही थी बसंत बिरमानी अंकल जी से, तो उन्होंने कहा कि नीरज जी 3 साल से शमशान घाट की मैं टेक केयर कर रहा हूँ, और इसकी एक बार नहीं दो दो बार मैंने बाउंड्री वाल बनाई है ऑलरेडी, अंदर एक कमरा शेड भी बना हुआ था। तो ये भी मुझे पता लगा कि इससे पहले भी कोई 40 लाख का ठेका छूटा है और उसकी ठेकेदार को पेमेंट हुई है, वो भी नगर निगम से था ठेका, वो भी नगर निगम से ही था। तो मैंने सरकार को पत्र लिखा है कि भाई जांच कराइए, क्योंकि इस 25 लाख का तो ये था मामला कि चीज़ें तो दान कर दी समाज के दानवीर कर्णदाताओं ने, और अब अफसर अधिकारी ठेकेदार मिलके किसके कहने पे उस पेमेंट को सरकारी खाते से लेना चाह रहे थे, जो मैं समझता हूँ कि उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। और मैं ऐसे लोगों से एक बात भी कहना चाहूँगा कि शमशान कब्रिस्तान ऐसी जगह है जहाँ पे हर व्यक्ति को आना है, और ख़ास तौर से नगर निगम के अधिकारियों को कि शमशान कब्रिस्तान को तो इस घोटाले से दूर रख लो, वैसी कम घोटाले नहीं हो रहे नगर निगम के अंदर। मैंने पत्र लिखा है, देखो जांच करके बताएंगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ये जो वर्क ऑर्डर था कितने लाख का वर्क ऑर्डर था? ये 25 लाख का। 25 लाख का। और जो काम हुए पड़े हैं वो क्या क्या थे जो आम लोगों ने करा दिए थे काम? भाई वहाँ तो पूरी बाउंड्री वाल हुई पड़ी है शमशान घाट की, पंखे लगे पड़े हैं वहाँ पे, एग्जॉस्ट फैन लगे पड़े हैं, एलईडी लाइट लगी पड़ी है, और बाकी एस्टीमेट है वो कम से कम 6 पेजों का, उसके अंदर कम से कम 50 से ज़्यादा आइटम है। और इसीलिए मैं मूल फाइल पे साइन भी करके आया हूँ एस्टीमेट्स पे कि कल को ये कागज़ ना बदल दें। जो काम आम लोगों ने करा दिए उसी का लोगों ने टेंडर पास करा लिया, बाकायदा वर्क ऑर्डर पास हो गया। वर्क ऑर्डर ये आपने बड़ी खामी पकड़ ली, जो घोटाला होने वाला था उसे आपने रोक लिया पहले ही। आपने इससे पहले भी नगर निगम के लगभग 400 करोड़ घोटाले का खुलासा किया है, लेकिन एक एक शख्स हैं जो उनको हम नहीं जानते कौन है वो, जहाँ तक कि अपनी राजनीति रोटी सेकने की आड़ में वो आप पर उंगली उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि विधायक तो उनको तो उंगली करने के आए थे, 2000 चुनाव के आ रहे हैं इसलिए अपनी जमीन तलाश रहे हैं, लोग नकारना चाहती है, वो कौन है? देखिए मैं इन सब चीज़ों पर गौर नहीं करता, मैं अपना काम करता हूँ, नेक नीति से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ। आज फरीदाबाद क्या पूरे हरियाणा के अंदर पता है कि ईमानदारी और नेक नीति की कोई मिसाल है तो वो नीरज शर्मा है। वहीं इस मामले के उजागर होने के बाद मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रख रहे वार्ड नंबर 1 के मुकेश डागर विधायक नीरज शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बता रहे हैं, लेकिन मुकेश डागर अपने बयानों में फंसते नजर आए और उन्होंने भी माना कि पास हुए वर्क ऑर्डर में वो काम भी शामिल है जिन्हें समाज सेवियों द्वारा पहले ही करवाया जा चुका है। मुकेश जी, विधायक एनआईटी फरीदाबाद नीरज शर्मा ने सेक्टर 56 के शमशान घाट में बड़े घोटाले के आरोप लगाए हैं, कहा है कि पहले से ही जो समाज सेवियों ने काम करा दिया उसका दोबारा से टेंडर पास कर दिया गया, बाकायदा वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया, क्या कहना है इस बात का? नमस्कार जी, आपके माध्यम से जो मेरे को देखना मिल रहा है कि हमारे विधायक नीरज शर्मा ने, पहले तो मैं तो विधायक जी से एक बात कहूँगा, विधायक जी आप ये क्लियर करें कि घोटाला हो चुका है या होने वाला है या आपको आशंका है, पहले तो ये क्लियर करें। दूसरी बात, जो विधायक जी ने आरोप लगाया है यहाँ पर 24 लाख के वर्क ऑर्डर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर 22/4/2022 को अपने कमिश्नर साहब यशपाल यादव जी को लिख के दिया था हमने कि भाई हमारे यहाँ पर एक हॉल बन चुका है, एक कमरा बन चुका है, एक लकड़ियों का शेड बन चुका है, एक टॉयलेट ब्लॉक और सामने 4 दाह संस्कार सेट बन चुके हैं, जिसका बिल नगर निगम ने ठेकेदार को करीब 30 लाख कुछ हज़ार का दिया है। तो यहाँ पर हमारा जैसे काम रह गया था, बिजली का काम रह गया था, गेट का काम रह गया था, एक मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आप सामने जो पार्क देख रहे हो कि ये जब हमें जगह मिली है तो ये आज से 10-11 साल पहले जगह मिली थी हमें शमशान घाट की, लेकिन यहाँ पर आज तक कोई भी कार्य नहीं कराया गया। तो हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने, हमारी सरदारी ने, हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे हमें बुलाया और हमारे सामने ये बात रखी कि भाई इसमें छोटे छोटे बच्चे
दबे होते हैं। हिंदू धर्म के अंदर छोटे बच्चों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उनकी मिट्टी लगाई जाती है। तो इस पूरे पार्क के अंदर कंकाल दबे हुए हैं, बच्चे दबे हुए हैं कि भाई इसमें इंटरलॉकिंग टाइल लगा दी जाए और बच्चों के लिए एक अलग से दीवार करके और वहाँ अलग गेट लगा के बच्चों को अलग से सेफ रखा जाए, जिससे कि कुत्ता बिल्ली कोई जानवर उन बच्चों को उखाड़े ना। आपने देखा होगा गोंची में भी एक शमशान घाट है पुलिस चौकी के बराबर में, वहाँ भी आप अंदर देखोगे मेन बाउंड्री के अलावा एक अंदर छोटी बाउंड्री है जिसमें बच्चों के लिए अलग गेट है और अलग व्यवस्था है। तो वैसी व्यवस्था करने के लिए हमने एक 65 मीटर, जो हमारे वर्क ऑर्डर में 65-70 मीटर बाउंड्री वॉल है, जो 40 फुट चौड़ी और लंबी करके हमने बच्चों के लिए एक बाउंड्री वॉल के लिए हमने कमिश्नर साहब को लिख के दिया। और इसमें जब भी हम घास को काटते हैं तो कंकाल निकलते हैं, इसमें भी इंटरलॉकिंग टाइल लगाने के लिए, और एक पानी की टंकी के सामने RCC शेड बनाने के लिए। जब हम अर्थी को शव को लेके आते हैं तो उसको यहाँ ला के टेक के वो करते हैं अपना पूजा पाठ करते हैं दाह संस्कार करने से पहले, तो यहाँ साइड बनेगा। तो आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा आपके कैमरे के माध्यम से जो इंटरलॉकिंग टाइल लगनी है, आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाओ विधायक जी को कि क्या यहाँ इंटरलॉकिंग टाइल लग चुकी है। आपके सामने इंटरलॉकिंग टाइल नहीं लगी है। क्या बाउंड्री वॉल हो चुकी है? बाउंड्री वॉल नहीं हुई है। क्या RCC शेड है जो वो हो चुका है? नहीं हुआ है। जब यहाँ पर आज से कुछ महीने पहले यहाँ पर एक वारदात हुई थी, क्या शराबी वगैरह ये शेवरे तंत्रिक वगैरह घूमते हैं तो वो यहाँ रात को पूजा पाठ के चक्कर में और बच्चों कंगाल को मतलब डिस्टर्ब करने के चक्कर में आते थे, तो हमारी सरदारी ने यहाँ के जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो कमेटी है, उसने मुझे बुलाकर कहा कि भैया नगर निगम को आपने जो काम लिख के दे रखे हैं वो कब तक होंगे। तो मैंने उनको कहा जी नगर निगम का एक प्रोसेस है, पहले टेंडर फाइल पास होगी, फिर टेंडर लगेगा, फिर वर्क ऑर्डर लगेगा। तो 22/4/2022 को यशपाल जी को हमने अपने लेटर पैड पर लिख के दे रखे, उन्होंने हमें अपना अलाउ करके दे रखी है। तो वो काम डिले होने की वजह से हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों ने, सरदारी ने कहा कि भाई आपस में पैसा इकट्ठा करके कम से कम कोई भी टेम्परेरी ऐसा जुगाड़ कर लो कि इसके अंदर कोई भी कुत्ता जानवर कोई गाय भैंस या आदमी रात को ना घुस सके और इन कंकालों को के साथ छेड़छाड़ ना हो सके। जो यहाँ पर लड़का रहता है उसके रात को गर्मी की वजह से पंखे, और जो विधायक जी लाइट की बात कर रहे हैं वो LED स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो एक बल्ब है जो अंदर लगे हुए हैं और पंखे हैं। तो हमने अपने 10-20-50 हज़ार के जो काम थे आपस में इकट्ठा करके हमने वो काम करा लिए कि जिससे कि यहाँ पर कोई भी भारी नुकसान ना हो सके। अगर विधायक जी को ये घोटाला लग रहा है या उनको आशंका है या उन्होंने घोटाला उन्हें बचा दिया, मुझे बताएं क्या नगर निगम ने बिल बना दिया उसका? जब 22/4/2022 का जो एस्टिमेट बना हुआ है हमने लिख के दे रखा है, वो हमारा एस्टिमेट 24 लाख का सिरे चढ़ा है दिसंबर में जाके। 22/12/2022 को हमें वर्क ऑर्डर मिला है, क्या यहाँ काम शुरू हो गया? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा विधायक जी, चलो 3.5 साल में आपको हमारे वार्ड नंबर 1 की याद तो आई। विधायक जी का काम है सिर्फ उंगलीबाजी करना और धरना देना, क्योंकि उन्होंने 3.5 साल में हमारे वार्ड नंबर 1 में आज तक कोई विकास कार्य नहीं कराए। और दूसरा, मैं तो उनका धन्यवाद करूँगा कि उंगली करने के बहाने से आज वो शमशान घाट में देखने तो आए। विधायक जी को मैं कहना चाहूँगा, जब कोरोना काल में शमशान घाटों में लाइन लगी हुई थी, क्या उन्होंने आके देखा कि यहाँ क्या सुविधा है, यहाँ लोगों को दाह संस्कार सही हो रहा है नहीं हो रहा? विधायक ने शर्मा का यही आरोप है कि जो लोग समाज जो काम समाज सेवी ने करा दिया, जैसे आप बता रहे हैं कि हमने कुछ काम आम लोगों से मिलकर करा लिया, आपने उन्हीं के टेंडर पास करा लिए, जो टेंडर ऑर्डर पास हुआ है क्या उस टेंडर में उन्हीं उनका भी? नहीं नहीं नहीं, वो 24 लाख रुपए में से आपके सामने इंटरलॉकिंग टाइल कहाँ लग गई हैं? वो तो 8-10 हज़ार 50 हज़ार की जो चीज़ें हमने करा ली हैं, क्या हम इंतजार करते 1 साल तक नगर निगम काम कराएगा या नहीं कराएगा? वर्क ऑर्डर जो पास हुआ है उसमें भी है ये बल्ब? हाँ, बल्ब हो, बल्ब पंखे, हाँ, तो उसका बिल थोड़ी बनाएंगे, जो काम होगा मौके पर उसी का बिल बनेगा, ठेकेदार उसी के पैसे लेगा। आपने तो बकायदा मांग लिया ना उसमें टेंडर में, टेंडर पास भी हो गया पंखे। वो मुझे एक बात बताओ, नहीं मुझे एक बात बताओ, क्या 1 साल तक, 1 साल पहले कोई भी नेता आता है, समाज सेवियों ने जिसने काम करा दिया, समाज सेवी ने जो काम करा दिया अपनी इच्छा से काम करा दिया, आप उसका बिल पास कराएंगे? नहीं, क्यों होगा बिल पास नहीं होगा? आप ही तो कह रहे हैं कि हमने जो बल्ब लगा दिया 50 हज़ार का काम करा दिया, 1 लाख काम करा दिया हमने, वो उसका नहीं नहीं, नहीं वो पहले दे रखा था हमने नगर निगम को लिख के, वो हमने 8-10 महीने इंतजार करके फिर हमारे जो लोगों ने इकट्ठा करके वर्क ऑर्डर जो पास हुआ उसमें तो उसका भी जिक्र है ना। मेरी बात बताइए, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आज अगर अपने कमिश्नर से या अपने नेता से 1 साल पहले डिमांड कर रहा हूँ और उसके बाद कोई हम काम करा लेते हैं तो मौके पर ठेकेदार जो करेगा उसी को तो पैसे मिलेंगे? 1 साल पहले अगर मान लो ये शमशान है, यहाँ जरूरत थी, क्या हम मान लो आज तो ये पास हो गया? नहीं होता,
भाई क्या होता है, एस्टिमेट हमने किसी को मांग रख रखी है, किसी नेता से या किसी अफसर से हमने कोई डिमांड रखी है। छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ कि विधायक का यही आरोप है कि जो काम समाज नहीं, विधायक का जो काम समाज सेवी ने करा दिए उसी का आपने दोबारा से टेंडर पास करा लिया। नहीं दोबारा से नहीं कराया, ऑलरेडी पहले आप उसकी फाइल देखो, वो फाइल कैसे है, वो फाइल कब दी हुई है, उसकी डेट देखो, उसकी टेंडर की डेट देखो, वो टेंडर कब लगा है और ये काम कब हुआ है, ये कोई वो नहीं है। लेकिन जो वर्क ऑर्डर पास हुआ वो काम हो चुके हैं ना, कुछ मुझे कुछ आप, काम हो चुके हैं नहीं, कुछ नहीं, आपको 8-10 हज़ार के काम दिख रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा जो इंटरलॉकिंग टाइल है और जो दीवार है। हाँ विधायक को दिख रहे हैं, विधायक को ही कह रहा हूँ कि कौन से काम हो चुके हैं। 8-10 हज़ार का फ्रॉड या जो घोटाला तब होता जब नगर निगम इन कामों के जो समाज सेवियों ने करे हैं इनके बिल बना के पैसे ले लेता। जो घोटाला होता मैं तो कुछ नहीं, निराधार आरोप है और जो काम होगा ठेकेदार को उसकी पेमेंट होगी, जो काम समाज सेवी ने करा दिया उस फाइल में से वो काम होगा नहीं। वही स्थानीय निवासी और समाज सेवी सुदेश डागर ने भी विधायक नीरज शर्मा द्वारा शमशान घाट में पास वर्क ऑर्डर के घोटाले के खुलासे के समर्थन करते हुए कहा कि विधायक नीरज शर्मा ने जिस घोटाले को उजागर किया है उस घोटाले को वे सबसे पहले खुद उजागर कर चुके थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वे उसे अमली जामा नहीं पहना सके थे। सर नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम सुदेश डागर है, प्रतापगढ़ से। अचानक सेक्टर 56 शमशान घाट में क्या वजह है आपका आने का? वजह भाइयों बहुत बड़ी वजह है और वजह ये स्टार्ट होती है जनवरी के 2 या 3 तारीख से। मेरे पास एक वर्क ऑर्डर आता है इस प्रतापगढ़ सेक्टर 56 के शमशान घाट का। मैं यहाँ आता हूँ और कुछ आप जैसे पत्रकार बंधु मेरे साथ आते हैं और मैं उनको सारी चीज़ों के बारे में उनको बताता हूँ, लेकिन किसी कारणवश हम उसको बंद करा देते हैं कि चलो छोड़ो जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरेगा। भी शमशान घाट एक ऐसी जगह है कि आपने पहले भी इस यहाँ का जो घोटाला हुआ था उजागर किया था? जी हाँ जी हाँ, बट मैं उसको उजागर नहीं कर पाया कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मेरे कारण पता लगा हमारे विधायक जी को, विधायक जी यहाँ कल आए, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बोला, उसके बाद तुरंत 2 घंटे बाद हमारे बीजेपी के नेता हैं मुकेश डागर झाड़सैतली से, वो यहाँ आ गए, उन्होंने अपनी बाइट दी, और जिस दिन मैं फर्स्ट डे यहाँ आया था 2 या 3 जनवरी को, उसी दिन शाम को भाजपा नेता मुकेश डागर यहाँ आ जाते हैं और अपने कुछ जानकार पत्रकार लोगों को बुला के अपनी बाइट अपनी सफाई देने में लग जाते हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा ही हुआ, किसी पत्रकार बंधु को उन्होंने बुलाया और अपनी बाइट देने लगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर डर किस बात का, बार बार पत्रकारों को बुलाना ऐसी जगह पर जहां आने की किसी को जरूरत नहीं है, ना कोई अपनी मर्जी से आना चाहता है। जी मुकेश डागर क्यों बार बार सामने आ रहे हैं, मीडिया के विधायक ने किसी का नाम भी नहीं लिया? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा वो भाई सामने क्यों आ रहा है, विधायक ने भी नाम नहीं लिया और ना ही हम नाम लेना चाहते थे, बट जब हमारा भाई मुकेश डागर बार बार यहाँ आके अपनी बाइट दे रहा है तो नाम लेना पड़ रहा है। तो दिक्कत ये थी कि मेरे पास भी वो वर्क ऑर्डर है जो 22 दिसंबर को रिलीज होता है नगर निगम से और उसकी जो डेट है वो आपकी मार्च 2023 है इस काम को कंप्लीट करने के लिए। उसमें मेरे पास सारा कुछ है, उसमें क्या क्या काम है मैं वैसे आपको गिना देता हूँ। उन्होंने टोटल 24,08,000 कुछ रुपए का एक टेंडर कराया है नगर इस शमशान घाट के लिए, जिसमें आज की डेट में जब हमने पहले उजागर करने की कोशिश की तब मुकेश ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब ये उजागर हो गया कम्प्लीटली तो अब मुकेश इस सफाई में लगा हुआ है कि हम इसमें टाइल लगवाएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये घास कितनी अच्छी लग रही है, एक बार देखिए प्लीज इसको, ठीक है? इसमें आप ये बताइए इंटरलॉकिंग टाइल लगाने की क्या जरूरत है, मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल कोई जरूरत है। और मैं हाथ जोड़ के भाजपा नेता मुकेश डागर को ये कहना चाहूंगा प्लीज इसमें इंटरलॉकिंग टाइल ना लगाएं, ये एक ऐसी जगह है, हमारे यहाँ जो मौसम है वो गर्मियों का मौसम बहुत ज्यादा है और जिस घर में दुख हो जाता है ना जब वो लेके यहाँ लोग किसी को आते हैं तो वो नंगे पैर चल के आते हैं और जिसके कारण हमारा ये जो फर्श है बहुत गर्म होता है और पैर फूकते हैं उसमें, तो उन लोगों को यहाँ कम से कम घास में खड़े होने की एक सुविधा जरूर मिलेगी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसमें इंटरलॉकिंग टाइल ना लगाएं। तो जी ये जो वर्क ऑर्डर जो दोबारा पास हुआ है ये किसने कराया पास? ये जैसा कि मुकेश डागर उस दिन था ही उसी ने बोला जी हमने ही अपने लेटर हेड पे ये वर्क ऑर्डर। है कौन ये? मुकेश डागर बीजेपी का नेता है और जो वार्ड नंबर 1 की हमारी पार्षद है सपना डागर, उनके वो जेठ हैं। तो
यानी कि सपना डागर के द्वारा ये पास हुआ लेटर जी हाँ, सपना डागर के ही द्वारा लेटर हेड पे ये 24 लाख कुछ रुपए का जो टेंडर है ये वर्क ऑर्डर में आया है। तो क्या लग रहा है कि जो समाज सेवी द्वारा काम करा लिए गए उसका भी इसमें ऑर्डर में जिक्र है कराने का? ऐसा कोई जिक्र नहीं है इसमें कि जो समाज सेवी द्वारा या संस्थाओं द्वारा जो भी हेल्प ली गई हो भाई हमने ये काम कराए, उसमें ऐसा कोई भी रिटर्न में नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, विधायक शर्मा का यही कहना है कि जो आप जैसे समाज आप समाज सेवी हैं, भाई समाज सेवी और समाज सेवी, उन्होंने जो जो यहाँ पर काम करा दिया बकायदा उसका भी वर्क ऑर्डर पास करा लिया गया। जी हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उसी काम का ही वर्क ऑर्डर दोबारा से ले लिया गया। हाँ। जबकि वो काम तो ऑलरेडी हो गए। मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा, लाइटों के ऑर्डर्स हैं इसमें पंखों के ऑर्डर्स हैं, इसमें आपका एग्जॉस्ट फैन है, वो ऑलरेडी सारी चीजें हैं जो आज के 22 दिसंबर के 2022 के वर्क ऑर्डर में है। वो क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आता। और बार बार मुकेश डागर यहाँ सफाई आके देता है, जी ये तो समाज सेवी ने दे दिया। जब दे दिया तो भाई आपको जरूरत क्या है उसको लिखवाने की? तो क्या कहेंगे, बार बार मुकेश डागर में सफाई क्यों पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घोटाले की बू आ रही है आपको? अब पता नहीं, ये तो पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। उसको अगर वो साफ है, ईमानदार है, उसको आने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। अपने आप नगर निगम या अफसर देख लेंगे क्या करना है। बट उससे भी पहले मैं और भी थोड़ी सी एक आपको चीज बताना चाहूंगा। ये जो आप देख पा रहे हो इसमें एक हॉल बना हुआ है, एक शेड बना हुआ है और यहाँ कुछ छतरियां बनी हुई है। इसका 40 लाख का एक टेंडर होता है और ये कंप्लीट कर लिया जाता है आज से 6-8 महीने पहले ही। ठीक है जी, खुद आप देखना, जो पत्रकार बंधुओं ने उनकी बाइट ली, उस बाइट में खुद मुकेश ने ये बोला है कि 40 लाख का जो काम था वो हमने 30 लाख में कर दिया। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कम से कम 10 लाख रुपए सरकार के बचा दिए। मैं आपको यही दिखाना चाहूंगा, वो आप सामने दीवार देखिए, इसमें प्लास्टर तक नहीं है। आप देख पा रहे हो इसमें प्लास्टर तक नहीं है। इसके सामने भी एक दीवार है, इसके सामने भी एक दीवार है, उस पर भी प्लास्टर नहीं है। भाई ऐसे आपने 10 लाख क्यों वापस कर दिया, क्या रीजन है उस चीज का, जब आपको पता है कि इस पे प्लास्टर नहीं है, हमें प्लास्टर कराना चाहिए था। 10 लाख रुपए में और बहुत काम हो जाते। आपने जिक्र किया अपने एक वीडियो में कि हमने 24 लाख का जो अभी टेंडर हुआ है, जो वर्क ऑर्डर हुआ है, उसमें हम एक छतरी बनवाएंगे। उस 10 लाख रुपए में तो यहाँ एक छतरी भी बन जाती, आपने वो पैसा वैसे वापिस क्यों कर दिया? तो अपने आप ही एक कहीं ना कहीं इसमें बू आती है करप्शन की, जो सबको नजर आता है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो, आप भी चाहते? बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा इसमें जांच हो और बहुत क्लियर जांच हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो। एक और चीज आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री कृष्णा गुर्जर से और मूलचंद शर्मा हरियाणा कैबिनेट मंत्री है, कि प्लीज ऐसे लोगों के बिल्कुल झांसे में ना आए। ये आप लोगों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, आपके माध्यम से आपका नाम लेते हैं वीडियोस में कि मेरे ऊपर तो कृष्णपाल गुर्जर जी का, मूलचंद शर्मा जी का आशीर्वाद है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बोलना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री और मूलचंद शर्मा जी को, ऐसे लोगों को बिल्कुल अपने साथ ना बिठाएं, ये आप लोगों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। शमशान जैसी जगह में भी ये लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये आप पार्क जो देख रहे हो, ये पार्क में मुकेश जी ने एक और चीज बोली है कि इसमें बच्चों की जो हड्डियां निकलती हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कोई इसमें हड्डी नहीं निकलती है। आप वो उसने बोला है कि जब ये घास कटती है ट्रैक्टर से तो हड्डियां निकल आती है। मुझे नहीं पता वो कितना बड़ा इंजीनियर है, कितना बड़ा साइंटिस्ट है, ये समझ में मुझे भी नहीं आया। मैं तो चाहूंगा वो आए और दिखाए इस चीज को कि वो भैया हड्डियां कैसे निकलती हैं। मैं तो यहाँ का वासिंदा हूँ प्रतापगढ़ का, और मुझे इसकी चीज के बारे में अच्छे से मालूम है। ये करीब करीब नहीं तो 5 से 6 फुट गहरा होता था। जिस टाइम में यहाँ बच्चे भी दबे होंगे जरूर, इसके लिए कोई मना ही नहीं है, और अब भी दबते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन किसी भी बच्चे को, छोटे बच्चे को दबाने के लिए 4 से 5 फुट गहरा गड्ढा किया जाता है, उसको 1 फुट गड्ढे के गहरे में नहीं दबाया जाता। मुकेश जी आप समझदार व्यक्ति हो, पढ़े लिखे हो, थोड़ी समझदारी से अपनी बाइट दिया करें, ऐसा ना बोलें बिल्कुल भी, जिससे कि लोग आपकी बेकार में हंसी का पात्र आपको बना दें, ऐसा ना।